तो दोस्तों आज के 15 अगस्त 2024 बिहार समेत देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लिखे हैं। सिर्फ आपके लिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उनसे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फाफड़ चैनल सब्सक्राइब करते लाइक कर शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पूरा देश आज अपने 78वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। वो लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में जहां वो अपनी सरकार का एजेंडा रखते हैं, रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं, महत्वपूर्ण नीति और कार्यक्रम की घोषणा भी करते हैं, वहीं देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों के बारे में बात भी करते हैं। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट और करोड़ों भारतीयों की दुआएं काम नहीं आई। दरअसल आपको बता दें कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। CAS ने अपना फैसला सुना दिया है। खेल पंचायत ने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ देने वाला फैसला सुनाते हुए विनेश फोगाट की अपील को खारिज कर दिया है। विनेश फोगाट अब खाली हाथ पेरिस से लौटेंगी। महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल से पहले उनको ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को बड़ी राहत देते हुए ईडी की ओर से उनके और अन्य के खिलाफ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में दर्ज धन शोधन मामले पर पेश आरोप पत्र खारिज कर दिया है। हालांकि अब्दुल्ला इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता नहीं थे, लेकिन आरोप पत्र में शामिल आरोपियों में से एक थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार ने हाल ही में सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी बहन सुप्रिया सूले के खिलाफ पत्नी को उतारकर बड़ी गलती की है। अब इस पूरे प्रकरण पर अजीत गुट के करीबी और NCP नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए इस पर कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि यह परिवार का पारिवारिक मामला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हम विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भारत में कथित सामाजिक स्तरों के आधार पर कला को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियों को खारिज करने का आह्वान भी किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर मामले में हो रही राजनीति पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग बगुला हो उठी है। बुधवार को उन्होंने इस मामले पर सस्ती राजनीति करने के लिए राजनीतिक दलों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि परिवार के साथ खड़े होने के बजाय CPIM और भाजपा सस्ती राजनीति में लिप्त हैं। उन्हें लगता है कि वह बंगाल को बांग्लादेश बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सत्ता की लालची नहीं हूं, ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। गाज़ा में पिछले 10 महीने से जारी जंग में अब तक लगभग 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल हमास के हमले के बाद इसराइल लगातार गाज़ा पर हमलावर है, वहीं इसे अपने साथ ही अमरीका का भी पूरा समर्थन मिला है। बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में इसराइल को 2,000 करोड़ रुपए के हथियारों के सप्लाई की मंजूरी दे दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पाकिस्तान के समाप्त होने को लेकर दिए गए बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बुधवार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर योगी आदित्यनाथ के बयान को टैग करते हुए तंज कसा है कि भाजपा के अंदर आपस में विचारों का विलय नहीं हो रहा है और दावे दुनिया भर के किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने अयोध्या में लाइटें चोरी होने पर भाजपा सरकार को घेरा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी से झटका पर झटके लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में दरकिनार किए गए पूर्व केंद्र मंत्री पारस को आगामी बिहार उपचुनाव में भी बड़ा झटका लगा है। भोजपुर जिले की तरारी सीट से 4 बार विधायक रहे सुनील पांडे ने पारस का साथ छोड़ दिया है और अब वे BJP का दामन थामने जा रहे हैं। बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को AK-47 समेत 2 मामलों में बरी किए जाने पर सियासी पारा गरमाई हुई है। राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब अनंत सिंह CM नीतीश कुमार के साथ नहीं थे तो अपराधी थे, अब साथ आ गए हैं तो मुक्त हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार कहाँ किसी को बचाते या फंसाते हैं, साफ दिख रहा है उन्होंने कितने लोगों को बचाया और कितने को फंसाया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में मंगलवार को हुई। बैठक में वैसी विधानसभा सीटें जहां कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार हैं वहां वहां प्रत्याशी उतारेगी, इसके लिए गठबंधन के घटक दलों से बातचीत की जाएगी।
अमेरिका में चुनाव 5 नवंबर को होंगे, उससे पहले चुनावी अभियान जोरों शोरों पर है। इस पर भारत के विदेश मंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर कमेंट नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने दोहराया कि भारत अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार है, चाहे उनके राष्ट्रपति ऑफिस में कोई भी पहुंचे। महाराष्ट्र में 18 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसे लेकर फेडरेशन की ओर से मंगलवार को राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के 18,70,000 अधिकारी कर्मचारी और शिक्षक 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होंगे। राजपत्रित अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद देसाई ने कहा है कि जब तक सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस। अडानी के खिलाफ जेपीसी की है मांग। जी, आपको बता दें कि हिंडनबर्ग के आरोपों पर बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि वो 22 अगस्त को सेबी प्रमुख माधवी पुरी बूथ से इस्तीफे और अडानी मुद्दे पर जेपीसी से जाँच की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन करेगी। ये घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सभी महासचिवों, राज्य इकाई के प्रमुखों और AICC के राज्य प्रभारियों के साथ यहां एक बैठक के बाद की गई है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर आक्रोशित डॉक्टरों की हड़ताल अब समाप्त होती नजर आ रही है। डॉक्टरों के एक महत्वपूर्ण संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के साथ बैठक के बाद हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। हालांकि एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा है कि वो पुरानी बातों को भूलकर 2027 के लिए जुट जाएं और हर बूथ पर वोट बढ़ाने के लिए नए सदस्य बनाएं। अखिलेश यादव ने ये बातें मंगलवार को मेरठ से आए पदाधिकारियों संग बैठक में कही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में मेरठ में सपा की हार के कारणों की समीक्षा हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के बन रहे माहौल के बीच तिरंगा का फोटो प्रोफाइल फोटो में लगाकर सनसनी मचाने वाले विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि 2025 के चुनाव में उनकी पार्टी 1/3 विधानसभा की सीट पर अति पिछड़ों को टिकट देकर लड़ाएगी। इंडिया गठबंधन के साथ रहकर लोकसभा चुनाव लड़े मुकेश सहनी ने VIP को मिली 3 सीटों पर कुशवाहा पासवान और बनिया को टिकट दिया था, जो हार गए थे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने बिहार की 42 बड़ी आपराधिक घटनाओं का एक साथ जिक्र किया और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए अहम सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने JDU नेता की हत्या से लेकर राज्य में दुष्कर्म लूटपाट समेत अन्य सभी छोटी बड़ी घटनाओं का सिलसिलावार जिक्र किया और फिर अपने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात रखी। राम मंदिर के बाद अयोध्या में बनेगा रामलला पार्क। रामायण काल की दिखेगी झलक। ओपन जिम और किड्स प्ले भी बनेगा। जी, आपको बता दें कि राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अब श्री राम लला पार्क का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 6.86 एकड़ में पार्क बनेगा। इसके निर्माण पर 15 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें ओपन जिम, कैफेटेरिया, लाइट एंड साउंड शो और किड्स प्ले एरिया होगा। पार्क में रामायण काल के पौधे लगाए जाएंगे। भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर अभी आला कमान ने किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनाई है। इस बीच देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने 17 अगस्त को अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सदस्यता अभियान को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले ये अभियान पूरा करने का लक्ष्य है। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा अलग अलग राज्य में पार्टी संगठन के प्रभारी, महासचिव और प्रदेशों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे।